देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 से 78 दिया गया है। यदि 15 अनुपाते यक्ष समानुपात 12 अनुपाते 18 अनुपाते 12 हो तो यक्ष का मान होगा 4। ऑप्शन दिया गया है, चारों में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, आपका दिया गया है 15 अनुपाते यक्ष समानुपाते 18 अनुपाते 12। ठीक है दोस्तों, इसमें दो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जब ऐसे होता है तो बाहर का गुणा बाहर हो जाता है और अंदर का गुणा अंदर हो जाता है, ठीक है, बराबर के साथ। तो इसमें अगर हम करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, बाहर का गुणा बाहर, तो इसमें हो जाएगा 15 × 12 बराबर यक्स 18, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 15 × 12 / 18, एक गुड़ा है तो इधर जाएगा, भागे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, देखिए काट दीजिए, 6 से काटिए दोस्तों, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, फिर इसको 3 से काटिए दोस्तों, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो क्या बचा, 5 × 2 = 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 2 = 10, 10 में से एक का भागेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों, दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे 15 अनुपाते यक्स दिया है, समानुपाते कितना दिया है, 18 अनुपाते 12, तो इसको हम लिख के आ सकते हैं दोस्तों, इसको हम 15 अनुपाते 12 को यक्स को क्या लिखेंगे, 15 / यक्स और बराबर 18 / 12, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 × 12 बराबर इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 × 12 बराबर 18 × x, तो इसका इधर आएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 15 × 12 / 18 बराबर x। अब काट दीजिए इधर भी, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो कितना हो गया दोस्तों, 5 × 2 = 1 बराबर यक्स, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, 5 × 2 = 10 में 10 हो गया, 10 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 ही, तो यक्स बराबर क्या आ गया दोस्तों, 10, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।